चलते चलते है ना। कोकीन का कंसाइनमेंट लेकर दिल्ली आ रही है और अकॉर्डिंगली नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने उसके ऊपर सर्वेलेंस माउंट किया। जब महिला IGI एयरपोर्ट पर पहुंची और उसके बाद किसी होटल में गई और होटल में जाने के बाद में उसका दिल्ली का जो पहले से एक अकॉम्पलिस महिला थी वो वहां पर आई और जब इन दोनों के बीच में कंसाइनमेंट का हैंडी टेकिंग ओवर होने लगा तो उस वक्त हम लोगों ने इनको पकड़ लिया और इस दौरान लगभग 4 किलो कोकीन की बरामदी हुई। दोनों महिलाओं का इंट्रोगेशन करने में ये पाया कि एक महिला तंजानिया की नेशनल है और एक महिला जाम्बिया की नेशनल है। जो जाम्बिया की नेशनल है वो 2 तारीख को साओ पोलो से चली है। साओ पोलो से यह महिला आदिस अबाबा इथोपिया पहुंची है और इथोपिया से नई दिल्ली 3 तारीख को 2 तारीख को आई है। फर्दर इंट्रोगेशन करने पर यह पता लगा कि यह महिला पहले 2015 में एक बार पाकिस्तान में अरेस्ट हो चुकी है कोकीन की ट्रैफिकिंग के लिए और इंडिया के अलावा हांगकांग और चाइना में भी ट्रैवल कर चुकी है। जो महिला पहले से इंडिया में रह रही थी उसका रिकॉर्ड चेक किया गया और उसमें यह पाया गया कि वो 20 जनवरी से दिल्ली में रह रही है और उससे पहले 2006 के बाद लगभग 9 बार इंडिया आ चुकी है। तो इस पैटर्न से यह लगता है कि यह महिला काफ़ी लंबे समय से ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। इस पूरे प्रकरण में ये लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो कोकीन की ट्रैफिकिंग है वो इंडिया में कुछ बढ़ रही है और कुछ ज़्यादा हो रही है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी टीम्स को सशक्त किया है और सर्विलेंस बढ़ाई है और उसी का यह रिज़ल्ट है कि हम इन लोगों को पकड़ पा रहे हैं। अभी तक आप इंडिया में कौन इस पर्टिकुलर केस में जो अब तक सामने आया है उसमें अफ्रीकन नेशनल का ही रोल है और एक जो उसमें उनका जो अकॉम्प्लिस है वो साउथ अफ्रीका का बताया जा रहा है जो कि उस महिला ने इंट्रोगेशन में बताया है। लेकिन हम उसको अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं लेकिन पकड़ने की कोशिश जारी है। सर ये फ्लाइट में इतनी कोकिंग लेके आगे चल रहा था, चेकिंग नहीं हो पाई कहीं पे, स्कैनिंगों में कहीं नहीं पकड़ा गया, कैसे ये लेके आई थी यहाँ पर? नहीं, जनरली देखा गया है कि ये लोग जब बैगेज में कोकिंग लेके आते हैं या और कोई ड्रग लेके आते हैं तो उसकी कंसीलिंग इस तरह से करते हैं कि उसको दोनों तरफ से ब्लैक पॉलीथीन या कोई और चीज़ से ढक देते हैं जिससे जनरली एक्सरे मशीन में उसका डिटेक्शन नहीं हो पाता है। आप लोगों को कैसे चेक हुआ सर? एक्चुअली हम लोगों को स्पेसिफिक इनपुट था जिसको हमने फर्दर डेवलप किया, उसी हिसाब से ये डिटेक्शन हुआ है। दिल्ली में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महिला जाम्बियन महिला थी जो लेके आई थी उसको एक पहले से जो यहाँ पे तंजानियन लेडी रह रही थी वो लेने आई थी और उसने फर्दर किसी दूसरे आदमी को इसको हैंडओवर करना था जो कि साउथ अफ्रीकन नेशनल था। हाँ, तो इसमें जो फर्दर जो डिटेल पता लगी है ये
लोग क्या करते हैं, फिर अपने छोटे छोटे जो बाकी नाइजेरियन या बाकी जो अफ्रीकन नेशनल्स यहाँ पर हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको छोटी छोटी क्वांटिटी में देते हैं। क्या इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या कीमत होगी? देखिए, कीमत का तो एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो ड्रग की कीमत है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करती है। तो एग्जैक्टली आई विल नॉट बी एबल टू से इट्स कॉस्ट। नहीं, अभी जेसी भेज दिया गया। ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ?